इतनी कॉल आना शुरू होगी नॉट फ्रॉम मीडिया फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम माई होम एवरीवेयर अब क्या बनेगा दोबारा क्या बनेगा वट इज़ गोइंग टू हैपन तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला क्या होगा फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज इनफैक्ट हम टू वीकली बेसिस पर दोबारा भी मिल सकते हैं ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस ताकि जो पैनिक का क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो तो सबसे पहले मैं करना करना चाहता हूँ कि पर दो तीन दिन पहले वी हैड अवर ओन मीटिंग विदाउट एडमिनिस्ट्रेट सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा क्या होने वाला है तो इसमें हमने जायजा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी कितने पेशेंट्स आएंगे हमारे इंतजाम कैसे हैं आर वी प्रपेयर फॉर दैट आर नॉट तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ऑ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ़ द कंट्री एंड ऑल द हेल्थ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशल्स ऑफ ऑल स्टेट्स वर पार्ट ऑफ दैट मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इवन आई सी भी वहाँ थी और ऑल द स्टेक होल्डर्स जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे स्टेक होल्डर्स पर देर तो टू स्टार्ट विथ सब मैं कुछ डेटा दूंगा कि कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जे वन उसके कुछ केसेज वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं तो पहला केस केरला में आया एज यूजल पहला कोई याद हो गया कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसिस एंड टिल डे बिफोर यस्टर डे द डेटा शोड दैट देर आर अबाउट थ्री थाउजेंड केसिस ऑफ ओमिक्रॉन ए वेरियंट ऑफ कोविड नाइनटीन जे वन वन माई अदर एक्सपर्ट विल रादर थ्रो मोर लाइट ऑन दिस एम रॉन्ग दे विल रेक्टीफाई मी इन द कंट्री एंड मोस्ट ऑफ दैम नाइंटी फाइव परसेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू द साउथ अफर साउथ ऑफ पार्ट ऑफ़ द कंट्री केरला में थे अरोड टू थाउजेंड केसेस कर्नाटका में कोई एट हंड्रेड महाराष्ट्र में फोर्टी फिफ्टी बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग न्यू ईयर आ रहा है लोग ट्रैवल करते हैं तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है तो so उसी पोजिशन को लेकर इट वॉज डिसाइडेड बाई वी शुड आर वी प्रपेयर फॉर इटर और हाउ दिस वेरियंट इज़ गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार तीन हज़ार केसेज में अबाउट थ्री थाउजेंड केसेस में से नाइन्टी टू परसेंट केसेज जैसे विच वर मैनेज एट होम होम केयर आइसोलेशन दैट मीन्स दिस वेरियंट इज प्रॉब्लली वेरी माइल्ड वन इट इज़ नॉट ए वेरी सीवियर वन दिस इज जस्ट अ वेरी इनिशियल फाइंडिंग थिंग्स मे चेंज इन फ्यूचर बट सो फार वी से द मैसेज वॉज गिवन टू अस बाय बायिस्ट्री वार दैट प्लीज देर इज नो नीड टू पैनिक बट एट द सेम टाइम इट वॉज कन्वे टू अस एट लोन डोंट लोअर योर गार्ड और ओनली पंद्रह से अठारह पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तीन परसेंट पेशेंट थे जो आई में गए उनको एनालाइज़ किया गया कहते हैं जो जो आई में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको को मॉबिलिटी थी दैट मीन्स दो डेज वर दोजर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज किसी को हाइपटेसन थी किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड सब डायबिटिक्स को नहीं है जो अनकंट्रोल्ड थी किसी को कैंसर था मेलिग्नेंसी थी किसी को किडनी फेलियर था किसी को हेपेटिक फेलियर था सीवियर फॉर्म नॉट द कंट्रोल्ड वन सो एक पैनिक ये भी ख़त्म होना चाहिए कि जिन सब को डायबिटीज़ है क्या सब वो सक्सेप्टेबल है तो ऐसा नहीं है सो सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ वेरी इन्फेक्टिव जल्दी फैलता हो बट मॉर्टैलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है बट थिंग्स मे चेंज इट इज़ वेरी इनिशियल तो इसलिए हमें बोला गया कि अपना अपने आप को गार्ड जो है ना अपने आपको गार्ड पर रखिए लोअर मत कीजिए तो कुछ सजेशन्स दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से इनफैक्ट हमने एस भी बनाया उसी बेस पर पहली सजेशन दी गई कि दो टाइप की एलनेसिस आइडेंटिफाई कीजिए एक है आई एल आई इन्फ्लुंजा लाइक इलनेस सेकेंड इज एस ए आर आई सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये दो कैटेगरी के इलनेसेज ऐसी हैं सपोज़ किसी का गला ख़राब होता है गले में खराश होती है फीवर होता है वीकनेस बहुत ज़्यादा है या छाती जाम है खटखट कर रही है तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल <coughs> ओपीडी में डॉक्टर्स को मिलना है दे शुड नॉट सिट एट होम फीवर और सोर थ्रोट माई अदर टीम मेंबर्स फिर थ्रो मोर लाइट आ ज़्यादा आपको बताएंगे तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही होगी थी बीच में इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे किसी किसी का कर रहे थे तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग अर माइक्रोबायलोजी हड विल ऑलवेज टेल यू अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं दो टाइप के टेस्ट होते हैं एक रैट आर ए टी रैट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट एक होता है आर टी पी सी आर दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए जिसकी हम मैं बताऊँ हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है जी का पार्ट मैं बता पाऊँगा तो हमने दो क्योर्स भी सेट किए हैं एक होएगा जी में दूसरा होगा एस में जहाँ पर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगे और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है वो भी बता दिया थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है उसको मास्क जरूर पहने चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो डिफ्रेंशिएट मत कीजिए कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है मैं यंग हूँ मेरा बेटा यंग है वो डिजीज़ के आजकल घर में बुजुर्ग को देगा तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव सस्ता और इफ़ेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क जरूर पहने सबसे सस्ता तरीका ये नेक्स्ट हमने किया कि दो पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए हमने एस एम जी एस में एज वेल एज जी एम सी में अपने वार्ड आइडेंटिफाई कर लिए आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास तीस बेडिड है और एक वार्ड नंबर थ्री है जिसमें मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए हैं कितने पेडेड्स में क्रिएट किए गए डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे ताकि जो पेशेंट सिख है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे किसी भी हॉस्पिटल में जो जो प्लांट खराब है उसको रिसर्ज सर्विस किया जाएगा ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो तभी कोई भी मुश्किल ना आए कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो और मेडिसिन का आ, किया गया जो जेके सप्लाई कारपोरेशन से रिक्वेस्ट की गई कि सारी मेडिसन्स की रिक्वेस्ट इनफैक्ट बहुत का मेडिसिन जरूरत होती है इसके बारे में प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर